Hi everyone, welcome back to our channel and we are going to do chapter number 12 of class 6 English Literature Reader. This is the last chapter. The name of the chapter is Huck Saves the Life of Widow Douglas. Now, Huck एक बंदा है जिसने एक life save करी है. किसकी life save करी है? Widow Douglas की. Widow कौन होती है? Widow is a lady who has lost her husband and Douglas is the surname of that lady. ठीक है? Now, अब हम देखते हैं आगे कि Huck कौन है. अब पहले ये क्या बता रहे हैं कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन. तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है? एक नॉवल में से. नॉवल का नाम क्या है? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. और ये किसने नॉवल लिखी है? मार्क ट्वेन ने. ठीक है. अब हकलबेरी फिन कौन है? हकलबेरी फिन का निकनेम है हक, जो यहाँ यूज़ हुआ है, एज़ ही इज़ कॉल्ड इन द बुक. तो ये जो बुक है, ये जो नॉवल है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, इसमें कैरेक्टर है हकलबेरी फिन, जिसको निकनेम हक से बुलाया जाता है इस बुक से. इस बुक में ही इज़ एन ऑर्फन एंड अ फ्रेंड ऑफ टॉम सॉयर. तो जो बंदा एडवेंचर कर रहा है ना इस बुक में, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में कौन एडवेंचर कर रहा है? टॉम सॉयर. तो उसमें ये एक और कैरेक्टर है. एक तो टॉम सॉयर हो गया मेन कैरेक्टर, एक उसका फ्रेंड है हक, हकलबेरी फिन, जिसका नाम जिसको बुलाया जाता है हक, और वो एक ऑर्फन है. ऑर्फन मीन्स द किड्स हु डोंट हैव देयर पेरेंट्स. In this extract, Huck is about to go to sleep when he hears a faint sound. अब इस extract में क्या बता रहे हैं वो कि Huck जो है वो सोने जा रहा था, about to go to sleep, but एकदम से उसको एक faint sound सुनी, बहुत ही low sound सुनी किसी चीज़ की, मतलब किसी something, maybe he heard something fishy, कि कुछ वहाँ पे fishy, something fishy is happening. तो बहुत ही low सी sound सुनी उसको रात को जब वो सोने की तैयारी में था. To reach to find out what happens next. That night, Huck was hiding in that side street behind the inn. अब एक रात की बात है, Huck hide कर रहा था, छुपा हुआ था कहाँ पे? एक side street में, behind the inn, inn के पीछे. Inn क्या होता है? Sort of a hotel, जहाँ पे travelers, they can get their food and they can, you know, get the place to live in. जैसे overnight अगर कहीं रहना हो तो. So it's a place for the travelers where they get food and lodging. So this is the meaning of inn. अब वो कहाँ पे? इनके पीछे छुपा हुआ है हक, इन द साइड स्ट्रीट. ठीक है. एट 11 o'clock ऑल द लाइट्स इन द इन वेंट आउट. तो कितने बजे थे रात के? 11 बजे. और इनकी सभी लाइटें बंद हो गई, उस होटल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई. एवरीबडी इज स्लीप नाउ, थॉट हक, आई एम गोइंग टू स्लीप टू. अब जैसे ही लाइट्स बंद हुई, वो इनके पीछे छुपा हुआ था, तो वो क्या बोलता है कि चलो जी सब सो गए, चलो मैं भी सोने जाता हूँ. एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे ही हर्ड अ फेंट साउंड फ्रॉम द इन. उसको एक फेंट, बहुत ही लो एंड फीबल सी साउंड सुनी फ्रॉम द इन, इनके अंदर से. फ्रॉम मतलब फ्रॉम इनसाइड द इन. समबडी हैड क्लोज्ड अ डोर, क्लोज्ड अ डोर सॉफ्टली एंड वॉज कमिंग वेरी क्वाइटली डाउन द स्ट्रीट. अब इन में से, फ्रॉम द इन, समबडी वॉज कमिंग, समबडी हैड क्लोज्ड द डोर सॉफ्टली. इन में से कोई बाहर आया और उसने इन का डोर बहुत ही आराम से बंद किया. एंड वॉज कमिंग वेरी क्वाइटली डाउन द स्ट्रीट. और वो इन से बाहर निकल के स्ट्रीट पर चला गया, और बहुत ही चुपचाप, मतलब बहुत ही कम आवाज़ में. Huck quickly returned to his hiding place. अब Huck थोड़ा तो आगे आगे उनके देख रहा था और एकदम से he went back to his hiding place, उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले छुपा हुआ था, so that nobody can see him, उसको कोई देख ना ले. Now, अब उसने क्या देखा? Two men passed by. तो उसके पास से दो men, passed by means निकलना, so they came, इसका मतलब कि वो दो men कहाँ थे? इनसे बाहर आए थे, क्योंकि उसको इनसे ही आवाज़ सुनी थी ना, फिर उसने इनसे देखा कि कोई कुछ डोर खुला है और फिर बंद हुआ है. तो वहाँ से दो मैन निकले आसपास से, उसके सामने से या आसपास से समझ लो. वन ऑफ देम वॉज कैरिंग अ हैवी बॉक्स, और उन दोनों में से एक बंदे ने पकड़ा हुआ था एक बहुत ही हैवी बॉक्स. दैट्स अ ट्रेजर, हक थॉट. अब हक ही अपना दिमाग चला रहा है, उसने वो सोच रहा है कि शायद ये बॉक्स में क्या है ट्रेजर. अब क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि हक कौन था, एक छोटा मोटा बर्गलर था, मतलब रॉबर था. तो वो चोरियाँ करता रहता था. ठीक है. अब वो समझ रहा है कि ये बंदा ट्रेजर लेके जा रहा है, कितने बड़े बॉक्स लेके जा रहा है, तो ज़रूर इसमें क्या होगा? ट्रेजर होगा. दे आर टेकिंग इट अवे, और ये तो इसको लेके जा रहे हैं दोनों. दे आर गोइंग टू हाइड इट समवेयर एल्स, और ये पक्का इस डब्बे को, इस बॉक्स को कहीं और हाइड कर देंगे. दे आर गोइंग टू हाइड इट समवेयर एल्स, आई विल हैव टू फॉलो देम, मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अब वो भी तो रॉबर ही है ना, तो वो ये सोच रहा है प्रॉबेबली कि मैं इसको चोरी कर लूँगा, जहाँ पे ये लेके जाएंगे दे विल बरी इट समवेयर, और मैं उससे निकाल लूँगा वहाँ से उस ट्रेजर को. सो देर इज़ नो टाइम टू टेल टॉम. टॉम कौन है आप? यहाँ पे हमने जो पढ़ा था टॉम सॉयर, उसका फ्रेंड. अब वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अपने फ्रेंड को, टॉम को ये सारी बातें बताने का मेरे पास टाइम नहीं है. आई विल हैव टू फॉलो देम माई सेल्फ, मुझे खुद ही उनको फॉलो करना पड़ेगा.
तो वो कह रहा है कि आई हैव टू गो एंड आई डोंट हैव टाइम टू टेल टू टॉम बिकॉज इट विल टेक अ बिट लॉन्ग एंड दे आर ऑलरेडी कैरिंग द बॉक्स अवे. तो कहीं वो घूमना हो जाए बंदे के, कहाँ चले गए मैं बाद में ढूंढता रहूंगा. द टू मैन वॉक फॉर अ वाइल बिसाइड द रिवर. तो कहाँ पे चले वो थोड़ी देर के लिए, बिसाइड द रिवर, रिवर के पास साथ साथ से चले. देन दे टर्नड एंड वॉकड अप द हिल. उसके बाद वो एक हिल पे चढ़ना शुरू हो गए. अब ये दो मैन कौन है, मिस्टीरियस से मैन है, जो कि क्या कैरी कर रहे हैं, उनमें से एक बंदा इज कैरिंग अ हैवी बॉक्स. नाउ हक फॉलोड, और हक उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है. हक फॉलो देम ऑल द वे, और हक उनको पूरा एंड तक पीछे पीछे जाता रहा उनके. इट वॉज अ मूनलेस नाइट एंड दैट हेल्प्ड हक. अब वो क्या थी, एक मूनलेस नाइट थी, मीन्स वो थी अमावस्या की रात जब मून नहीं होता, ठीक है. तो उस दिन क्या हुआ, और वो उसकी किसकी हेल्प कर रही थी, हक की. कैसे, हाउ दैट मूनलेस नाइट वॉज हेल्पिंग, बिकॉज की लाइट में नहीं, तो मून की लाइट में जैसे वो पीछा कर रहा था उन दो लोगों का, तो उन लोगों को पता चल जाता या उसकी शेडो ही दिख जाती कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है. बट क्योंकि इट इज़ अ मूनलेस नाइट सो इट इज़ सो डार्क दैट ही इज़ एबल टू हाइड एंड देन ही इज़ एबल टू फॉलो देम, और उन बंदों को पता भी नहीं चल रहा कि वो उसको फॉलो कर रहा है. द मैन केम टू विमेन डगलेसिस हाउस. अब वो चलते चलते हिल क्लाइंब करते 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 कहाँ पहुँच गए हैं, विडो डगलेसिस हाउस. एक विडो रहती है. दे स्टॉप्ड, हक स्टॉप्ड. अब जब वो रुके तो हक भी रुक गया. ही वॉज क्वाइट नियर द मैन एंड कुड हियर एवरी वर्ड दे स्पोक. अब वो इतना पास था उन लोगों के कि जो वो दो बंदे आपस में बात कर रहे थे उसको पूरी बातें उनकी समझ आ रही थी, सुन रही थी. देर आर लाइट्स इन थ्री रूम्स. अब वो किसके बारे में बता रहे हैं, विडो डगलेसिस के हाउस के बारे में, कि भैया वो तीन रूम्स हैं उसके हाउस में और उन तीनों रूम्स में क्या है, लाइट ऑन है. सो दिस इज द हाउस एंड दीज आर द टू मैन हु आर टॉकिंग एंड दिस इज हक हु इज लिसनिंग एंड दिस मैन इज कैरिंग अ बिग बॉक्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे उसके रूम में विमेन सॉरी विडो डगलेसिस के हाउस में थ्री रूम्स हैं और तीनों की लाइट्स जल रही हैं. समबडी मस्ट बी देयर विद हर, रेड जो सेड एंग्रीली. अब उनमें से एक बंदे का नाम, जो दो बंदे थे उनमें से एक बंदे का नाम क्या है, रेड जो. ठीक है, अब रेड जो बहुत ही गुस्से से बोल रहा है कि ओ ओ यहाँ पे तो उसके तीनों रूम्स की लाइट जल रही है, तो इसका मतलब कि वो विडो के साथ कोई इस घर में आज रात को है. यू कांट डू एनीथिंग टू नाइट द अदर मैन सेड. तो अगर यहाँ पे आता है आपको क्वेश्चन हु सेड दिस टू होम, तो आप लिख सकते हो अदर मैन टू रेड जो या द कंपेनियन ऑफ रेड जो टू रेड जो. रेड जो के साथ जो बंदा कंपनी कर रहा था, अब इस बंदे का नाम नहीं बताया हुआ दूसरे बंदे का. कम ऑन लेट्स गो लीव हर अलोन फॉरगेट इट. नाउ दिस हु इज सेइंग दिस, द सेकंड मैन दैट इज द कंपेनियन टू रेड जो, वो कह रहा है कि छोड़ दो, लीव हर अलोन, उसको छोड़ दो और फॉरगेट इट, तुम भूल जाओ. फॉरगेट इट एक्सक्लेम्ड रेड जो, वो और गुस्से से बोला चिल्ला के, नेवर, आई विल नेवर फॉरगेट इट, हर हस्बैंड सेंट मी टू द प्रिजन. अब वो कह रहा है मैं ये कभी नहीं भूल सकता, और इसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकता क्योंकि इसी लेडी के हस्बैंड ने मुझे जेल में भेजा था. तो इसका मतलब रेड जो जेल में रह के आया, तो दैट मीन्स ही मस्ट बी सम क्रिमिनल. व्हेन आई केम हेयर टू किल हिम. हिम कौन हुआ, मिस्टर डगलेस. तो मिस्टर डगलेस ने उसको जेल में भेजा था, तो अब वो कह रहा है कि जब मैं बाहर आया ना जेल से, तो मैं इस जगह पे आया था उसको मारने के लिए, मिस्टर डगलेस को. बट ही हैड डाइड बिफोर आई गॉट हियर. पर मेरे यहाँ पे आने से पहले ही मिस्टर डगलेस जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं. इट डजेंट मैटर, शील हैव टू पे इंस्टेड ऑफ हिम. और वो कह रहा है पर कोई बात नहीं, ये उसकी जो मैंने उससे बदला लेना है, उसकी सज़ा मैं इस लेडी को देख के रहूँगा, इस लेडी को उसका प्राइस पे करना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू किल हर टू नाइट. और उसका क्या प्लान है, दैट ही वॉन्टेड टू किल विडो डगलेस दैट नाइट. सो ही एक्चुअली वो क्या करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग विडो ऑफ मिस्टर डगलेस, जिसके कारण ही हैड टू गो टू जेल, हु सेंट हिम टू जेल. देर आर समबडी देर. अब ये कौन बोल रहा है, अदर मैन या कंपेनियन टू जो. देयर मतलब इन हाउस, देयर किसके लिए यूज हुआ है, वहाँ मतलब उस हाउस में. रेड जो वॉज नॉट लिसनिंग, पर रेड जो तो सुनने को तैयार ही नहीं था. ही टर्न टू हिज कंपेनियन, और वो गुस्से से अपने कंपेनियन की तरफ मुड़ा. यू गॉट टू हेल्प मी, कि तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी. इफ यू डोंट आई विल किल यू टू, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा. हरी अप देन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द अदर मैन सेड. अदर मैन सेड, दूसरा मैन कह रहा है रेड जो कंपेनियन की, जल्दी करो फिर, तुम वेट किस चीज़ की कर रहे हो. आई एम वेटिंग टिल द लाइट्स गो आउट. वो कह रहा है कि अब उसको मारना है मुझे, पर मैं ऐसे लाइट्स ऑन में थोड़ी मारूंगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि लाइट्स बंद हो जाएं. ओनली देन आई कैन प्रोसीड विद मर्डरिंग विडो डगलेस. सो रेड जो ही वॉज टेलिंग हिज कंपेनियन कि प्रॉबेबली देर समथिंग, देर इज सम वन विद हर विद विडो डगलेस एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द लाइट्स टू गो आउट. देन ओनली ही कैन प्रोसीड विद किलिंग ऑफ विडो डगलेस या विद द मर्डर. द टू मैन वर साइलेंट, दे स्टूड देयर वेटिंग फॉर द लाइट्स टू गो आउट. अब वो दोनों चुप हो गए और वेट करने लग गए कि कब लाइट ये बंद हुई.
हक वॉज वेरी फ्राइटेंड. अब ये हक यहाँ पे वेट कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, वो बहुत डर गया है. ही क्रैप्ट अवे, क्रैप्ट मतलब धीरे धीरे चलना, जैसे क्रीप करते हैं ना जो लिजर्ड वगैरह जो क्रीप करती है, ऐसे धीरे धीरे चलना ताकि किसी को पता ना चले. ही क्रैप्ट अवे वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से वो वहाँ से दूर भागा. ही मूव्ड अवे क्वाइटली एंड देन ही बिगैन टू रन, और फिर उसके बाद भागने लग गया. ही रैन फास्ट टिल ही केम टू अ हाउस, और वो इतनी तेज भागा 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 कहाँ पहुँच गया, एक घर के बाहर. और वो घर किसका था, दिस वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर जोन्स, अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट ओल्ड मैन, जो एक बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट ओल्ड मैन थे मिस्टर जोन्स. देयर हक स्टॉप्ड, ही नॉक्ड एट द डोर, लेट मी इन प्लीज प्लीज लेट मी इन, ही क्राइड. नाउ हु इज क्राइंग दिस, हक इज क्राइंग वेयर ही इज नाउ, ही इज एट मिस्टर जोन्स हाउस एंड ही इज नॉकिंग एट द डोर. What's the matter? The old man called from his bedroom window. अब वो बेडरूम विंडो से, क्योंकि वो बार 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 खटखटा रहा है तो उसको टाइम ही नहीं मिला, तो बेडरूम विंडो से ही बोल रहा है मिस्टर जोन्स कि कौन है भाई, what's the matter, क्या हो गया. Then he came downstairs, फिर वो अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर के आया, with his two strong sons, और अपने बेटों के साथ वो आया नीचे. And तीनों जने, all three stood on in the doorway, तीनों जने वो डोरवे में खड़े हो गए. Why? It's Huckleberry Finn, the old man said. अब उसने कहा कि हाँ, मतलब ओल्ड मैन ने उसको पहचान लिया, ही रिकग्नाइज्ड हक एंड ही सेड ओ इट्स हकलबरी फिन. वाह प्लीज लेट मी इन, हक बेग्ड, बेग मतलब अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन. अब वो कह रहा है बिकॉज वो उनकी बातें सुन के आ रहा है, तो वो कह रहा है कि बहुत ही अजीब सी टेरिबल सी चीज़ होने वाली है. वो उसको बोलते हैं कम इन कम इन एंड टेल अस, हु इज सेइंग दिस, तो मिस्टर जोन्स एंड हिज सन्स टू हक. हक वेंट इनसाइड एंड टोल्ड हिज स्टोरी, पूरी स्टोरी, कौन सी स्टोरी, वट एवर ही हैड हर्ड दोज टू मैन टॉकिंग. तो वो पूरी स्टोरी उनको बता देता है, मिस्टर जोन्स और उसके टू स्ट्रॉन्ग सन्स को. टू मिनट्स लेटर, मिस्टर जोन एंड हिज टू स्ट्रॉन्ग सन्स वर रनिंग टूवर्ड्स विडो डगलसिस हाउस. अब क्योंकि उनका वहाँ से शायद पास ही था घर में, तो वो लोग भागते भागते गए, मिस्टर जोन्स और उसके जो दो बेटे थे स्ट्रॉन्ग वाले. एंड ईच ऑफ देम वॉज कैरिंग अ गन, और हर एक बंदे ने क्या पकड़ी थी अपने हाथ में, गन. हक डिड नॉट गो विद देम, पर हक उनके साथ नहीं गया गया. ही हिड हिमसेल्फ, वो छुप गया, एंड वेटेड, और वेट करता रहा. सडनली ही हर्ड अ शॉट, और एकदम से उसको एक शॉट की आवाज़ आई. दे वर शूटिंग, हक जंप्ड अप फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस एंड रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड. और वो डर के मारे और दूर 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 भागते जा रहा है, बिकॉज ही इज सो स्केयर्ड. और वहाँ पे अब शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, बिकॉज वो गन्स लेके गए थे ना. वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग हक वॉज अगेन नॉकिंग एट मिसिज जॉन्स डोर. तो अर्ली मॉर्निंग फिर हक आ गया मिस्टर जोन्स के घर पे, नॉक नॉक करने लग गया. कम इन बॉय, बॉय कम इन, द ओल्ड मैन सेड वेरी, ओल्ड मैन सेड वेरी काइंडली. तो ओल्ड मैन ने कहा कि आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ. यू आर अ ब्रेव फेलो हक, यू विल ऑलवेज बी वेलकम हेयर, कम इन एंड हैव सम ब्रेकफास्ट विद अस. तो उसको किस लिए बुला रहा है कि आ जाओ भाई अंदर और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो भी तुमने मतलब यू विल बी ऑलवेज, यू आर अ ब्रेव फेलो, तुमने कल बहुत ब्रेवरी दिखाई एंड तुम्हारा हमारे घर में हमेशा स्वागत ही रहेगा. And come in and have some breakfast with us. Huck sat down at the table, but he could not eat anything. क्यों? क्योंकि he's having an anxiety now. Excitement कह लो या anxiety, है उसको ये जानने की कि हुआ क्या last night. और widow जो Douglas है, is she safe or not? So he's more concerned about that. That is why he doesn't feel like eating anything. You look ill, Huck, said Mr. Jones. तो Mr. Jones को वो कैसा लग रहा था? Ill लग रहा था. Drink this cup of tea. Who's talking to whom? Mr. Jones to Huck. Then the old man told Huck that what had happened the previous night. फिर ओल्ड मैन ने बताया कि पिछली रात को क्या हुआ था. We were not able to catch them, he said. तो क्या वो बंदे उनको मिल गए थे? नहीं. तो उसने बताया कि हम उनको पकड़ तो नहीं पाए, but one of them was wounded. Wounded मतलब कि शायद जो उन्होंने गन्स लेके गए थे उससे गन शॉट चलाया, तो शायद एक शॉट उसकी कुछ उसको घाव कर गया. वूंड का मतलब होता है घाव कर जाना या चोट लग जाना. बट वो कह रहा है पक्का एक ना एक तो वूंडेड है. अब किससे वूंडेड होगा? प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द गन शॉट्स. नाउ ही कांट बी फार अवे. We have told the men in the village. They are going to search the woods for those criminals. तो आगे ना वो criminals कि वो दोनों कौन थे criminals. अब वो कह रहे हैं the old man said what had happened. We were not able to catch them, but one of them was wounded. He can't be away. We have told the men in the village. भी वो इतनी दूर तक भाग के कहीं नहीं जा सकता. हमने पूरी village में information दे दी है. And they are going to search the woods. मतलब वो forest में उसकी search करने के लिए जाएंगे. Can you tell me what they looked like? Well, said Huck slowly, one of them is a Spaniard. You have seen him about the village. He has got long white hair and he is dumb. Dumb वैसे तो होता है, person cannot speak. तो वो एक ही अभी हक जो है दोनों बंदों के बारे में बताना है, अभी एक ही के बारे में बता रहे हैं कि जो उसमें से एक है वो Spaniard दिखता है. Spaniard means the person who belongs to Spain. Country है ना Spain वहाँ पे. तो वो कह रहे हैं कि एक तो उनमें से बंदा है जो स्पैनियार्ड है और जो विलेज में दिखता भी रहता है और जिसके लंबे वाइट बाल हैं और जो डम्ब है, एंड ही इज़ डम्ब. वैसे तो डम्ब होता है पर्सन कैन नॉट स्पीक, बट हेयर इट मे बी यूज कि वो लल्लू है या मतलब इज़ नॉट दैट इंटेलिजेंट इनफ मे बी.
द अदर फेलो इज अ स्ट्रेंजर, और दूसरा बंदा एक स्ट्रेंजर है, मतलब वो पहला वाला तो है जो विलेज में हमको दिखता रहता है, जैसे इससे पता चलता है यू हैव सीन हिम अबाउट द विलेज. तो फर्स्ट पर्सन जो स्पैनियार्ड है उसको विलेज के लोगों ने देखा हुआ है. तो इसका मतलब ये कहाँ की स्टोरी है, विलेज की, ठीक है, एक विलेज में ये सारा सेटअप हुआ हुआ है. ही हैज़ गॉट लॉन्ग वाइट, द अदर फेलो इज अ स्ट्रेंजर, ही इज टॉल एंड थिन एंड ही इज वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स. अच्छा जी, तो वो दूसरा फेलो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टॉल है, थिन है, स्ट्रेंजर है और ओल्ड क्लोथ्स पहने हुए. आई नो बोथ ऑफ देम, मिस्टर जोन्स सेड. देन ही आस्क्ड व्हाट मेड यू फॉलो देम. नाउ हूम इज ही आस्किंग, ही इज आस्किंग हक. सो मिस्टर जोन इज आस्किंग हक कि भैया तुम क्यों फॉलो कर रहे थे उनको, मैं तो उन दोनों को जानता हूँ, तुमने जैसे डिस्क्रिप्शन बताई आई नो देम. वेल आई कुड नॉट स्लीप, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक एंड आई saw those two. One of them was carrying a heavy box. He stolen something, I thought. I'll follow him. They went towards the river and then they turned right and went up to the path that leads to Widow Douglas's place. Ab wo thoda sa isme apne aap se baatein bana ke bata raha hai aur thoda sa jhoot bhi bol raha hai. I was close behind them all the time. I wish I could hear almost every word what they said. When they reached Widow Douglas's, they stopped. They began talking. Now when they reached Widow Douglas's house, they stopped. और जब वो Widow Douglas के house में पहुँच गए तो वहाँ पर रुक गए and वहाँ पर बातें करने लग गए. But isn't that Spaniard dumb? Asked Mr. Jones. तो वो कह रहे हैं कि तुमने तो कहा था वो dumb है, dumb means वो बोल नहीं सकता, तो अब तुम कह रहे हो आपस में बातें कर रहे थे, क्या वो dumb नहीं था जो वो वाला Spaniard था? Oh, no, he isn't. He is, Huck suddenly stopped. मतलब वो कन्फ्यूज हो गया आंसर देने में, ठीक है, तो वो ऐसे बोला वो नो ही इजेंट ही, मतलब उसको करेक्ट आंसर ही नहीं सूझा मैं क्या बोलूँ. ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन टू मच, ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन टू मच. अब ही कौन है यहाँ पे, हक. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो हक है ना, अब वो बिकॉज पूरी इन्फॉर्मेशन मिस्टर जोन्स को दे जा रहा था, तो उसको लग रहा था कि भैया मैं तो कुछ ज़्यादा ही, एम टेलिंग द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन इज मिस्टर जोन्स, कि वो ओल्ड मैन को टू मच कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट्स या कुछ ज़्यादा ही बातें बताई जा रहे हैं. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू मोर ट्रबल, ही हैड हैड इनफ. तो वो ये सोच रहा है कि भैया मैं तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ट्रबल में रहा हूँ, बिकॉज प्रॉबली रॉबर है तो ही माइट हैव बीन कॉट बाय पुलिस और समथिंग. तो वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी ट्रबल्स में रह चुका हूँ और मैं और इससे ज़्यादा ट्रबल्स में नहीं है. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू मोर ट्रबल्स. तो उसको लगा कि मैं बता तो रहा हूँ बातें मिस्टर जोन्स को, ओल्ड मैन को, पर क्या मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बता रहा कुछ. आई होप आई नॉट गिविंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन जिससे मैं खुद ही फंस जाऊँ. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम किसी बंदे को CID वगैरह अगर आपने देखा होगा तो उसमें अगर किसी बंदे को पकड़ लेते हैं तो उससे बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे कई बार उस बंदे की अपनी असलियत भी बाहर आ जाती है ना, ये भी एक्चुअली में कौन था, रॉबर ही था. बट अगर उससे कुछ भी पूछताछ होगी या कोई पुलिस ले जाएगी तो फिर वो भी फंस सकता है. सो ही वॉन्टेड टू मेंटेन डिस्टेंस विद ऑल दैट वॉज हैपनिंग. हु इज ही, द ओल्ड मैन आस्क्ड. टेल मी बाय, टेल मी माई बॉय, डोंट बी अफ्रेड, वी आर योर फ्रेंड्स एंड यू नो यू कैन ट्रस्ट अस. ही स्पोक सो काइंडली दैट हक आंसर्ड, ही इज रेड जो. नाउ हु इज ही, किसके बारे में बोल रहा है वो, रेड जो के बारे में. हु इज ही, द ओल्ड मैन आस्क्ड. तो जोन्स ने पूछा कि ये कौन है, तो वो जो है Who is he means he यहाँ पे कौन है, he Red Joe है. Red Joe के बारे में पूछ रहा है वो कि ये कौन है बंदा फिर तुम्हारे साथ. Tell me my boy, don't be afraid, we are friends. अब he देखो यहाँ पे he नहीं बोल रहा, he किसके लिए बोल रहा है वो, यहाँ पे उसने कहा था ना but isn't that Spaniard dumb? Asked Mr. Jones. तो Mr. Jones ने कहा कि तुमने तो बेटा बताया था कि वो dumb है, means वो बोल नहीं सकता. अब वो कह रहा है वो नो he isn't. तो ये कन्फ्यूज़ हो गया, अब उसको लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो अब ओल्ड मैन फिर से उससे पूछा कि अच्छा बता तो सही वो कौन है, हु इज़ ही, तुम हमसे डरो मत और हम तुम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हम पे विश्वास कर सकते हो. तो वो बता रहा है कि ही कौन है, ही इज़ रेड जो. तो जो यहाँ पे ही यूज़ हुआ है वो रेड जो के लिए हुआ है. रेड जो, द ओल्ड मैन नियरली जम्प्ड ऑफ हिज चेयर इन हिज एक्साइटमेंट. अब वो एकदम से अपनी चेयर पे ही ओल्ड मैन उछल कूदने लगा, मतलब कूद पड़ा. क्यों? क्योंकि रेड जो, मे बी ही न्यू रेड जो दैट रेड जो हैज़ बीन अ क्रिमिनल बिफोर और वो प्रिजन में रह के आया है. रेड जो ही रिपीटेड, ही कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स. वो कह रहा है कि अच्छा वो आ गया, उसको अपने विश्वास ही नहीं हो रहा, प्रॉबेबली उसको ये नहीं पता होगा कि वो जेल से छूट गया आज. येस रेड जो, आर यू श्योर, वो पूछा पक्की तेरी बात सही है. येस आई रिकोगनाइज हिज वॉइस. और ये कौन बोल रहा है, ये हक बोल रहा है कि हाँ मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी. वेल द ओल्ड मैन कुड फाइंड नो वर्ड्स टू से वॉट ही थॉट. अब ओल्ड मैन के पास कोई अक्षर ही नहीं थे, कोई शब्द नहीं थे कि मैं मतलब उसके दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है वो उसको कुछ बता पाए. हिज सन्स हैड स्टॉप्ड ईटिंग. अब उसके सन भी, दे ऑल्सो स्टॉप्ड ईटिंग. दे वर लुकिंग एट हक विद देयर माउथ्स वाइड ओपन. अब वो जैसे ही उसने रेड जो का नाम लिया था तो उनका कैसे एक्सप्रेशन, बहुत ही अजीब से स्ट्रेंज एक्सप्रेशन वो दे रहे हैं और खाना भी भूल गए हैं एक तरह से. मुँह खुला, वाइड ओपन मीन्स पूरा मुँह खोल के हक की तरफ देख रहे हैं हैरान होकर.
एंड आईज, और बहुत ही बड़ी बड़ी आईज करके, एज राउंड एज सॉसर्स. तो यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है, एज बिग एंड राउंड एज सॉसर्स. आह सेड द ओल्ड मैन एट लास्ट. ओल्ड मैन इज मिस्टर जोन्स. नाउ आई अंडरस्टैंड. अब वो कह रहा है कि ओके अब मुझे ये स्टोरी समझ में आई. तो मे बी ही नोज कि पुरानी स्टोरी क्या है, कि जो विडो डगलेस, जो डगलेस है मिस्टर डगलेस, उसने उसको रेड जो को डलवाया प्रिजन में, और अब वो उसका बदला लेने आया. तो ये सब स्टोरी प्रॉबेबली मिस्टर जोन्स को पता है, इसलिए वो कह रहा है ओके अब मुझे समझ में आया ये सब. एट दैट मोमेंट विडो डगलेस केम इन. और एकदम से उसी समय कौन आ गया, विडो डगलेस आ गई उनके घर में. शी केम टू आस्क फॉर न्यूज़ अबाउट द रॉबर्स. अब वो क्या करने आई थी, वो पूछने आई थी कि हाँ जी रॉबर्स का क्या बना, एंड वॉट हैपन टू दैम. मिस्टर जोन्स एंड हिज सन्स टोल्ड हर द स्टोरी. अब रात की पूरी स्टोरी मिस्टर जोन्स और उसके सन्स ने बताई, क्योंकि हक तो आ गया था वहाँ से डर के भाग के. मिस्टर जोन्स और उसके जो स्ट्रॉन्ग सन थे वो अपनी गन लेके वहाँ चले गए थे. तो वो पूछने आई थी कि हाँ जी क्या हुआ उनका, जो दो बंदे थे. तो मिस्टर जोन्स और उनके बेटों ने उसको पूरी स्टोरी सुनाई. व्हेन दे हैड फिनिश्ड, विडो डगलेस वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर एंड एक्साइटमेंट. हाउ कैन आई थैंक यू, शी आस्क्ड. अब वो बेचारी बूढ़ी औरत, जब उसको लगा कि ये तो इन्होंने तो मेरी जान बचा ली बेचारे, इतनी रात को आए और इतने मुश्किल टाइम में इन्होंने रात को पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ा इसको, तो उसके लिए वो थैंक यू बोल रही है. प्लस साथ ही वो डर के मारे थोड़ा सा ट्रेम्बल भी कर रही है और एक्साइटमेंट के कारण. बिकॉज व्हेन यू गेट टू नो दैट समबडी इज ट्राइंग टू यू नो प्लानिंग टू मर्डर यू, तो आप थोड़ा सा हो जाओगे ना, मतलब यू स्टार्ट maybe you'll be afraid or something like that. So she's also giving this reaction. So she's trembling with fear and excitement. How can I thank you, she asked with the tears in her eyes. You saved my life. Ab wo keh rahi ki tum logon ne to meri jaan bacha li, main tumhara dhanyawad kaise kahun. But kya unhone bachayi thi actually main, information kisne di thi, Huck ne. So you mustn't thank me, the old man said. To Mr. Jones keh rahe ki nahi mujhe thank you mat karo. It wasn't me, wo main nahi tha. It was dash, he stopped, he wanted to say. Now it was dash ke baad wo ruk gaya aur wo bolna chahta tha that it was Huck who saved you from Red Joe. तो वो ये चीज़ बोलना चाहता था, बट क्योंकि उसने हक से प्रॉमिस किया था टू कीप हिज नेम आउट ऑफ द स्टोरी, ही डिड नॉट वॉन्ट हक टू गेट मोर इन टू द ट्रबल. अब क्योंकि उसने हक से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई जो तुम्हारी जान बची है ना वो हक के कारण बची है, बट वो ऐसा कर नहीं सकता था. वो बोलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू से, बट वो ऐसा बोल नहीं पाया क्योंकि उसने हक से प्रॉमिस किया हुआ था कि वो इन सब स्टोरी से दूर ही रहेगा. राइट, सो दीज आर द न्यू वर्ड्स. थोड़े से ही हैं. फेंट साउंड इज वेरी लो साउंड. नहीं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया. इट वॉज हक हु सेव्ड यू फ्रॉम द रेड जो. ये वो बोलना चाहता था, उसने बोला नहीं है. ही वॉन्टेड टू से दिस बट ही हैड प्रोमिस्ड हक, बट उसने हक को प्रोमिस भी किया हुआ था कि टू कीप हिज नेम आउट ऑफ द स्टोरी, कि वो इस स्टोरी से उसका नाम, ही विल नॉट डिस्क्लोज हक्स नेम. ही डिड नॉट वॉन्ट हक टू गेट इन टू मोर ट्रबल. और वो ये भी नहीं चाहता था कि अगर उसका नाम इन सब चीज़ों के बीच में आएगा तो उसकी भी असलियत किसी को पता ना चल जाए या वो भी पकड़ा ना जाए, पुलिस उसको पकड़ ना जाए. सो ही डिड नॉट वॉन्ट हक. और वो ये नहीं चाहता था कि हमारे इन सब चीज़ों के कारण या पुलिस कोई पूछताछ करे उस सब के कारण हक और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाए. सो फेंट साउंड इज वेरी लो साउंड. क्रेप्ट अवे मीन्स मूव्ड अवे स्लोली विदाउट बींग सीन और हर्ड. स्पेनियार्ड मीन्स अ नेटिव ऑफ स्पेन. एंड विडो डगलेसेस मीन्स हेयर विडो डगलेसेस हाउस. Now the question answers. Question number one is, what made Huck follow the two men? And the second part is, what did Huck hear them say? So, Huck followed the two men because he thought that there would be a treasure in the heavy box that one of those men was carrying. Huck heard them planning to kill Widow Douglas. Question number two, what did Red Joe plan to do? Red Joe ne kya plan kiya tha? Red Joe planned to kill Widow Douglas with the help of his companion. He wanted to take revenge from Mr. Douglas, who had sent Red Joe to prison. But as Mr. Douglas was already dead, he planned to kill his wife to take revenge. So he was waiting outside her house for the lights to go out. Question number three, how did Red Joe force his companion to assist him? Red Joe threatened his companion that if he would not help him, Red Joe would kill him too. That's how Red Joe forced his companion to assist him in killing Widow Douglas. Who was Mr. Jones and why did Huck go to his house? So Mr. Jones was a brave and honest old man, and everyone in the village respected him. He went out with his sons to save Widow Douglas. Huck went into his house because he wanted to save the life of Widow Douglas, but he did not want to get into any trouble as he himself was a robber. So he went to Mr. Jones instead of going to the police.
Describe the Spaniard and was he really dumb? So Spaniard, the literal meaning of Spaniard means a person who belongs to Spain. And Spaniard here in the story, Spaniard is referred to Red Joe, who had white long hair. In the story, Spaniard is not really dumb. Now, B part. There are lights in three rooms. Somebody must be there with her. Name the speaker. So the speaker is Red Joe. Who is the speaker talking to? Red Joe is talking to his companion. And which light is the speaker talking about? So the speaker, that is Red Joe, is talking about the lights of the house of Widow Douglas. Come in, my boy, come in. Who is the speaker? Mr. Jones is the speaker. Who is the speaker talking to? Mr. Jones, that is the speaker here, is talking to Huck. And what does the speaker offer the boy? So the speaker, that is Mr. Jones, offers the boy to come in and have breakfast with his family. How can I thank you? Name the speaker. So the speaker is Widow Douglas. And whom is the speaker talking to? So Miss Widow Douglas is talking to Mr. Jones. And why is the speaker expressing his or her gratitude? So the speaker, that is Widow Douglas, is expressing her gratitude because she thought that Mr. Jones had saved her life. Do you think Huck was a brave boy? Give reasons. So yes, Huck was a brave boy. Number one, he followed two strangers in the middle of the night all alone. That is all by himself. He told the entire true story to Mr. Jones without thinking that revealing such story could land him in a prison, as he himself was a robber and himself was hiding behind the inn at that moment of time. The next is that we have to search for some storybook characters. The characters are Cinderella, Rapunzel, Garlic, Alice, Oliver. Oh, what is this? Mowgli. This has already been done. Oliver ho gaya, Gulliver, then Heidi, then Aladdin. Right. So next are some of the extra questions, which I've tried to frame. Now, name the novel. The name of the novel is The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. Full name of Huck is Huckleberry Finn. Who was Huck? He was an orphan and a friend of Tom Sawyer. What was Huck doing at night? He was hiding in the street behind the inn. What was the time? It was 11 o'clock at night. And at what time the lights of the inn went out? The same answer, 11 o'clock at night. When lights of the inn went out, what was Huck thinking? He thought that everybody was asleep and he should be going to sleep now. What did he hear? He heard a faint sound from the inn. Whom did he see? He saw two men coming out of the inn and one of them was carrying a heavy box. What did Huck think about the box? So Huck thought that there was some treasure in that box and the two men were going to hide that box with treasure somewhere. So he started following them. Who was Huck's friend? So Huck's friend was Tom Sawyer. Did Huck tell his friend? No, he could not tell his friend because there was no time. So he started following two men all by himself. Where did two men walk? So the two men walked beside the river and then up to the hill. What helped Huck in following the men? The moonless night helped Huck in following the men. How moonless night helped Huck? Because there was complete darkness and two men could not see him while he was following them. The next is question. Where did two men reach? So they reached Widow Douglas's house. How many rooms were there? There were three rooms in her house. Why were the two men waiting outside? They were waiting for the lights of Widow Douglas's house to go out. As the lights were on, so they thought that there would be someone with Widow Douglas in the house. Come on, let's go. Leave her alone. Forget it. Who said to whom? So companion said to Red Joe. Why Red Joe wanted to kill Widow? Red Joe wanted to kill Widow because her husband, Mr. Douglas, had sent Red Joe to prison. And now Mr. Douglas was already dead. So he wanted to take revenge from his wife. That is Widow Douglas. After hearing two men's conversation, what did Huck do? Huck was very frightened. He crept away quietly and ran as fast as he could to Mr. Jones' house.
On listening to the story, what did Mr. Jones do? Mr. Jones and his two strong sons ran towards Mr. Douglas's house, each of them, and what was each of them carrying? Each of them was carrying a gun. Why Huck went to Mr. Jones next morning? So Huck went to Mr. Jones next morning to know what had happened the previous night, as he was concerned about well-being of Widow Douglas. वही जानना चाहता था कि उनको भी क्या हुआ, Widow Douglas का क्या हुआ. Was Mr. Jones able to catch those two men? No, they were not able to catch them, but one of them was wounded. How can have one person be wounded? So one person could have been wounded by the gunshot of Mr. Jones or either of his sons, because they were carrying the guns when they left home. Where would the criminal be searched? So the criminal would be searched in the woods, that is in the forest, by the village people. Who were the criminals? So Red Joe and his companion were the criminals. Describe Red Joe. Red Joe was a Spaniard. He had long white hair. He was seen about the village. He was a criminal and was sent to prison by Mr. Douglas, for which he wanted to take revenge now by killing Widow Douglas. So that is it about the extra question answers. I hope these explanations and these question answers would be useful. All the very best for your exam. I think that's it. Alright guys, all the very best. Take care. And please do share with your friends and relatives, with your classmates, so that this is helpful for them also.